नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव विद अस में। फ्रेंड्स, दीपावली के बाद बहुत से दिए बच जाते हैं, तो आज मैं इन्हीं दियों का रीयूज़ करूंगी। मैं इनमें से कुछ दियों को पानी में गीला कर दूंगी। कद्दूकस का धार एकदम खत्म हो गया था। हमने जो दिए गीले किए थे उसका ये जो नोक वाला साइड है उसको हम इस कद्दूकस में घिसेंगे। नोक वाले साइड को घिसने से क्या होगा कि दिए का नोक खत्म हो जाएगा और कद्दूकस भी तेज हो जाएगा। इसकी जो धार खत्म हो गई है वो तेज हो जाएगी। ये देखिए, दिए का नोक खत्म हो गया है। अब हम इस दिए को किसी और क्राफ्ट में यूज करेंगे। ऐसे हम और भी जो दिए गीले किए हैं उनको ऐसे नोक की साइड से घिस लेंगे। मैंने दियों को घिसने से पहले गीला कर दिया था। आप चाहे तो डायरेक्ट भी घिस सकते हैं, पर गीला करने से दिए टूटते कम हैं। कुछ दियों को हमने घिस लिया है। अगर आपको लगता है अभी कद्दूकस में धार नहीं हुई है तो आप और भी दिए घिस सकते हैं। अब मैं कद्दूकस को धो लूँगी। ये देखिए, कद्दूकस एकदम चमकने लगा है। इससे आपका कद्दूकस में धार भी हो गया और चमक भी आ गई। घर में जो टूटे साबुन पड़े रहते हैं इनको हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे और ये वेस्ट दिए पड़े हुए हैं इनमें ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर साबुन सूखा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके को अच्छे से सेट करके सूखने के लिए छोड़ दीजिए। साबुन दिए में सेट हो जाने के बाद आप इसका उपयोग हाथ पैर कोहनी और एड़ी घिसने के लिए कर सकते हैं। अब वेस्ट दिए का तीसरा यूज देखेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून डिटर्जेंट पाउडर और 1 स्पून सोडा ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दिए में अच्छे से दबा दबा के इसको पूरा भर देंगे। इसको अच्छे से दबा के सेट कर लीजिए और इसे भी आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए। बर्तन धोने वाला साबुन लास्ट में सभी का ऐसे एक्स्ट्रा बच जाता है। ये बचे हुए साबुन को भी अगर हम एक दिए में ऐसे भर के इसे सूख तो ये कढ़ाई और तवा साफ करने के बहुत काम आता है। ये देखिए, ये साबुन सूख गए हैं। ये इस जले हुए तवे को मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ। देखिए, तवा कितना अच्छे से साफ हो गया है। अब हम बचे हुए दियों में से कुछ दियों को गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के थोड़ी देर उबाल लेंगे और जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से मसल मसल के 5 से 6 बार सादे पानी से धो लेंगे। अब दिए को गैस पर गर्म करेंगे। गैस पर गर्म करने पर अगर दिया तेल छोड़े तो उस दिए का यूज़ नहीं करेंगे। दिया से तेल निकला है उसे साइड में रख दें और दूसरा एक दिया लेके उसे गर्म करें। गर्म करने के बाद उसे चाय में डाल दें। तंदूरी चाय रेडी है।